मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़े हैं क्लास फाइव का कंप्यूटर चैप्टर वन, कंप्यूटर अ मशीन। वी हैव लर्नड इन अर्लियर क्लास दैट कंप्यूटर आर वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स यूज एट ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस सच एज बैंक्स, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, शॉप्स, स्कूल एंड होम्स। हमने पहले तो ये पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है। एक बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, बैंक्स में यूज़ होता है, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन में, शॉप्स में, स्कूल में, घरों में भी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। टुडे कंप्यूटर आर वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। आजकल क्या है, कंप्यूटर एक बहुत ही यूज़फुल अपना मीन्स एक इसका अलग ही यूज़ है हर एक फील्ड में, स्पेशली एजुकेशन और एक एंटरटेनमेंट के फील्ड में भी इसका यूज़ है। अर्लियर कंप्यूटर्स वर यूज्ड ओनली बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स और देयर वर्क। कंप्यूटर को कौन यूज़ करता था, साइंटिस्ट और इंजीनियर अपने कामों के लिए, ठीक है। कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर किस वर्ड से आया है, कंप्यूट वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, ठीक है। बट कंप्यूटर इज़ नॉट जस्ट अ कैलकुलेटिंग मशीन, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटिंग मशीन नहीं है, इट कैन डू अ वैरायटी ऑफ जॉब। ये बहुत तरीके का ये जॉब्स मीन काम कर सकती है। कंप्यूटर आर वर्सेटाइल एंड कैन हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशन एट ए टाइम। कंप्यूटर क्या होता है, वर्सेटाइल होता है और एक ही टाइम पे तरह तरह की ये एप्लीकेशन को हैंडल कर सकती है, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज सी से कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू यूज्ड फॉर, टी ट्रेड, ई एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। मीन्स कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये है हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस एंड इट एंड गिव्स द रिजल्ट। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करती है, फिर प्रोसेस करती है, फिर उसके बाद रिजल्ट देती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर काम क्या करता है। द थ्री मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर का काम, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी हम लोग डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जो भी उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्या हुआ, हमारा इनपुट, ठीक है। When the computer works on the input, it is called processing. और जब कंप्यूटर उस इनपुट पे काम करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन और रिजल्ट गिवन आउट बाय अ कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट इज कॉल्ड आउटपुट। अपने काम को करने के बाद कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है, इनपुट का जो भी प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर सिमिलर टू दी फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि किससे एकदम सिमिलर मीन्स सेम लगता है, कंप्यूटर के फंक्शन जैसा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सम ऑफ द एग्जाम्पल आर मेकिंग फ्लोर इन फ्लोर मिल। जब फ्लोर मिल में हम लोग फ्लोर को बनाते हैं मीन्स आटे को, ठीक है। तो इनपुट हमारा क्या हो गया, फूड ग्रेन्स, प्रोसेस क्या हो गया, ग्राइंडिंग, आउटपुट क्या हो गया, फ्लोर। जो भी फूड ग्रेन्स है वो हमारा इनपुट हो गया, और जो प्रोसेस हो गया वो ग्राइंडिंग हो गया, और जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया, हमारा फ्लोर, ठीक है। टोस्टिंग ब्रेड, टोस्टिंग ब्रेड हमारा सिचुएशन है, हमारा इनपुट सबसे पहले क्या होगा, ब्रेड, ठीक है। प्रोसेस हमारा क्या होगा, टोस्टिंग, और हमारे रिजल्ट क्या आ गया, आएगा टोस्टेड ब्रेड, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। मेकिंग आइस, अब आइस बनाने के लिए वाटर इन ट्रे, ट्रे में हमारा पानी रहेगा, फिर रेफ्रिजरेटिंग उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस हो गया, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा बन के, आइस, तो वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। आईपीओ साइकिल, इट स्टैंड फॉर द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। आईपीओ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ठीक है। इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ रॉन्ग, जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं कंप्यूटर को वो गलत होती है, देन इंफॉर्मेशन ऑब्टेंड फ्रॉम कंप्यूटर वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। तो जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर देगा वो भी क्या होगा, गलत होगा।
रॉन्ग इनपुट लीड्स टू रॉन्ग आउटपुट, अगर हम लोग इनपुट गलत देंगे तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, गलत होगा। इट इज़ कॉल्ड GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मीन्स गार्बेज इन और गार्बेज आउट इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। डेटा, अब डेटा क्या होता है, डेटा रिफर्स टू रॉ फैक्ट और फिगर्स विच वी इनपुट इन टू अ कंप्यूटर। डेटा क्या होता है, एक फैक्ट होता है, एक फिगर होता है, जो कि हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा, जैसे लेटर, नंबर्स, पिक्चर, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस्ड डेटा, इट इज़ मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, प्रोसेस्ड डेटा होता है, वो क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। जैसे डेटा क्या हो गया, 5 और 7 प्रोसेसिंग में एडिशन हो गया, इंफॉर्मेशन हमारा क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। वी विल रिकैपिटुलेट अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस फ्रॉम अर्लियर क्लासेस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस इज यूज टू एंटर डेटा इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस इज द कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो वो हमारा होता है इनपुट डिवाइस। सबसे मोस्ट कॉमनली कौन सा डिवाइस यूज होता है, वो होता है कीबोर्ड हमारा, ठीक है। द अदर इनपुट डिवाइस आर माउस, ट्रैक बॉल एंड लाइट पेन। अदर भी और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, विच आर नॉट यूज फॉर टाइपिंग डेटा, लेकिन ये डेटा को टाइप करने के लिए यूज़ नहीं होता है। दे आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, ये क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, एज दे आर यूज टू सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द स्क्रीन बाई पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट। इससे हम लोग कब यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग को पॉइंट करना है या सेलेक्ट करना है स्क्रीन पे, तो हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है कीबोर्ड, कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर एंड इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या होता है, टाइपराइटर की तरह दिखता है, और कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन देना होता है तो, ठीक है। वॉट एवर इज़ टाइप्ड ऑन द कीबोर्ड इज सीन ऑन द मॉनिटर, जो भी हम लोग कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो कहाँ हमें दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा, ठीक है। इट हैज़ डिफरेंट कीज, इसकी बहुत सारी क्या होती हैं, कीज़ होती हैं। वी प्रेस डिफरेंट कीज़ टू टाइप डेटा एंड गिव कमांड टू द कंप्यूटर। हम लोग क्या करते हैं, कीज़ को प्रेस करते हैं और डेटा को टाइप करते हैं, जिससे हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, कमांड करते हैं, ठीक है। अब है माउस, द माउस इज़ यूज टू पॉइंट एट एंड चूज फ्रॉम द थिंग्स डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। माउस क्या किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पॉइंट करने के लिए और भी किसी चीज़ को चूज़ करने के लिए, जो भी हमें मॉनिटर पे दिख रही होती है। दिस कैन बी डन बाय क्लिकिंग और डबल क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन। ये कैसे होता है, क्लिक करने पे, ये डबल क्लिक करने पे लेफ्ट माउस बटन को, ठीक है। ट्रैक बॉल, इट इज़ सिमिलर टू अ माउस एंड कैन बी यूज इन इट्स प्लेस। इट हैज़ अ बॉल ऑन इट्स टॉप, रोलिंग द बॉल विद फिंगर मूव्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये किसकी तरह होता है, एकदम माउस की तरह होता है, ये हम लोग माउस की जगह पे कभी कभी यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ बॉल ऑन इट्स टॉप, यहाँ पे क्या होता है, ये बॉल होता है इसके टॉप पे, रोलिंग करते हैं बॉल को, रोलिंग द बॉल विद फिंगर, हम लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर से इस बॉल को क्या करते हैं, रोल करते हैं और फिर उसे स्क्रीन पे मूव कराते हैं, ठीक है, पॉइंट कराते हैं। लाइट पेन, लाइट पेन क्या होता है, इट लुक्स लाइक अ पेन, ये किसकी तरह होता है, पेन की तरह होता है। वी कैन यूज इट लाइक अ पेन ऑन अ स्पेशल पैड, किसी स्पेशल पैड पे इसे हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ पेन यूज करते हैं। वट एवर वी राइट ऑन दिस स्पेशल पैड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर, जो भी हम लोग स्पेशल पैड पे लिखेंगे वो हमें किस पे दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा। स्कैनर, इट रीड्स टेक्स्ट एंड पिक्चर फ्रॉम द पेज डायरेक्टली एंड चेंज देम इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। स्कैनर क्या होता है, टेक्स्ट और पिक्चर को रीड करता है, ठीक, फिर उसको चेंज करता है उस फॉर्म में जिसमें कंप्यूटर समझ सकता है, उस फॉर्म में उसको चेंज करता है, ठीक है।